प्याज की कीमत ने आम आदमी के आंसू निकाल दिए हैं। प्याज के दामों पर लगाम लगने का नाम नहीं ले रहे हैं। कई शहरों में इनकी कीमत 100 रुपये के पार पहुंच गई है। आसमान छूते प्याज के दामों को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हो रहा है। इस मुद्दे पर लोकसभा में जोरदार बहस हो रही है। हालांकि बिहार सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने की पहल की है। बिहार राज्य सरकारी विपणन संघ लिमिटेड 35 रुपये में काउंटर लगाकर प्याज बेच रहा है, जहाँ लोगों की सुबह सुबह प्याज खरीदने के लिए लंबी कतार देखी गई है। इधर केंद्र सरकार ने प्याज को किल्लत का ठीकरा राज्य सरकारों पर फोड़ दिया है। जानकारी के अनुसार फिलहाल प्याज की बढ़ती कीमतों से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। उपभोक्ता मामलों में मंत्री रामविलास पासवान का कहना है कि विदेशों से प्याज का आयात किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 26,000 मैट्रिक टन प्याज सड़ गया है। हालांकि मंत्री पासवान का कहना है कि बड़ी मात्रा में प्याज का स्टॉक था और राज्य सरकारों से 16 रुपए किलो के हिसाब से प्याज लेने को कहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया है। इस वजह से प्याज पड़ा पड़ा सड़ गया। देश के प्रमुख शहरों में प्याज के दाम 100 के पार पहुंच गए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को प्याज का औसत बिक्री मूल्य 70 रुपये किलो रहा, जबकि पणजी में प्याज का अधिकतम मूल्य 110 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया। प्याज की सबसे कम कीमत प्रदेश के ग्वालियर में रही। यहां प्याज 38 रुपये किलो में बिका। व्यापारियों का मानना है कि 15 दिसंबर के पहले प्याज के दामों में गिरावट की कोई उम्मीद नहीं है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.